लेकिन गरीबों के मसीहा कौन है? मोदी जी हैं। और गुंडों के हमदर्द कौन है? सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं। या प्रयाग से लेकर के गाजीपुर तक जिस प्रकार से गुंडों माफियाओं अपराधियों के कब्जे में था, वह युग बीत गया। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी धरती पर आए थे, आप सबको याद होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसी प्रयागराज में इस कुंभ मेले की सफाई करने वाले कर्मचारियों के चरण धो करके उनको सम्मान देने का काम किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं। बाबा विश्वनाथ का धाम और रामलला का मंदिर बनाने वाले कर्मचारियों की आपने पूजा की थी, यह पूरा देश देख रहा है। 80 करोड़ लोगों के पेट की आग को शांत करने, कोई भूख से न परेशान हो, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आपने राशन दिया। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम आपने किया, गरीब कल्याण की अनेक सुविधाएं देने का काम किया, उसका वर्णन करेंगे तो घंटों लगेगा। इस देश का गरीब, इस देश का किसान और इस देश की आधी आबादी, माताओं बहनों हाथ उठा के बताओ, मोदी जी के साथ हो कि नहीं हो? यहां पर हमारे किन्नर समाज से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, वह भी आशीर्वाद देने के लिए। एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, एक तरफ गरीबों के हमदर्द हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये सब किन्नर समाज के लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया बैठ जाएं, बैठ जाएं। मैं आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए, आप सब भी सुनना चाहते हैं, हमारा प्रयागराज विकास से मतलब हजारों किलोमीटर दूर था, जब से 2014 में आपके नेतृत्व में देश में और 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी, हमारा प्रयागराज विकास के एक नए युग में प्रवेश किया है, प्रदेश प्रवेश किया है, देश प्रवेश किया है। आगे भी 2025 का यहां पर कुंभ है, सब लोग यहां कमल खिलाना चाहते हैं, आपको तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसे सबका नारा है 4 जून, 4 जून, फिर एक बार। या आपके लिए सब समर्पित हैं, यही निवेदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करूंगा यहां की जनता को अपना उद्बोधन देने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री जी।